स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मचरेटा सीतापुर में अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस कार्यवाही के विरोध में दिया ज्ञापन। आज मचरेटा विकास खंड मुख्यालय पर 11 बजे मचरेटा ब्लॉक के सभी पत्रकार बंधु एकत्रित होकर एक बैठक आयोजित की, जिसका संचालन डॉक्टर रजनीश मिश्रा ने करते हुए लोकतंत्र पर चर्चा की और पत्रकार मणिकांत त्रिपाठी ने उद्धव ठाकरे सरकार के निंदनीय कार्य पर प्रकाश डाला। वहीं पर काली पट्टी बांध कर ब्लॉक परिसर के बाहर से खंड विकास अधिकारी के कार्यालय तक उद्धव सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए 12 बजे ज्ञापन बीडीओ को दिया। याद हो कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर महाराष्ट्र की उत्तर सरकार के द्वारा एक सम्मानित पत्रकार के साथ जो पुलिस कार्रवाई हुई है वह निंदनीय है और पत्रकारिता जगत पर हमला है। रिपब्लिक भारत चैनल के पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ है वह लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, मानवाधिकार का भी हनन है और तानाशाह सरकार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाए पत्रकारों की मांग है। इस मौके पर समस्त पत्रकार डॉक्टर रजनीश मिश्र, योगेश शुक्ल, आशुतोष त्रिपाठी, सुशील शुक्ला, रामलखन तिवारी, आदित्य वाजपेयी, मणिकांत त्रिपाठी, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, आदर्श मिश्र, बबू सिंह, अश्विनी कुमार, अनिल सिंह, संदीप गिरी, प्रवीण संगम, यश विजय आदि लोग उपस्थित थे। सीतापुर संवाददाता रामलखन तिवारी की रिपोर्ट। वर्तमान सरकार ध्वस्त करती हुई दिखाई पड़ रही है और सन 1975 में जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी इंदिरा गांधी के शासन काल में, और उस सेंसरशिप को, उस प्रतिबंध को हजारों लाखों की संख्या में पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे ग्रामीण पत्रकार हो, हजारों की संख्या में सबको जेलों में ढोल दिया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी पर पूर्ण रूप से विराम लग गया था और उस समय एक शून्य की स्थिति आ गई थी। उस समय भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो पत्रकार हैं और जिनमें अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो मुख्य रूप से मुझे कहने में कोई शर्म नहीं लगती, जो आरएसएस से रिलेटेड पत्रकार हैं, पांच जन्य दिन का अखबार निकलता है, उस अखबार ने गुजरात से लेकर के और ट्रेनों में अपना रूप बदल करके और गांव में जागरूकता फैलाने का, छोटे छोटे दो दो कमरे का अखबार लेकर के जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसके कारण इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार को भी इतना ही नहीं पड़ा बल्कि पूरी तरीके से इसका सफाया हो गया। शायद उद्धव सरकार इस बात को भूल गई है, ये प्रेस की आजादी पर डायरेक्ट हमला है, यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये अर्णव गोस्वामी वो कैसा बोलते हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनकी शैली कैसी है, वो किस चैनल के पत्रकार हैं, किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। वो पत्रकार है, पत्रकार है, पत्रकार की एक जाति है और वो सिर्फ है पत्रकार। और ये एक पत्रकार के ऊपर जिस तरीके से अपमानित तरीके से घर से खींच करके और जैसे एक अभियुक्त कैदी होता है उस तरीके से उसको घूस करके जेल में कर दिया गया, ये सीधे हम सभी का अपमान है और इस अपमान के लिए संविधान का रक्षा